ग्वालियर अंचल के प्रतिष्ठित एजुकेशन इंस्टीट्यूट प्रेस्टीज मैनेजमेंट एंड साइंस में साइबर अपराध रोकथाम एवं निदान विषय पर कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में मौजूद स्टूडेंट को बढ़ते साइबर अपराधों के प्रकार और उनसे सावधानी बरतने के संबंध में कार्यक्रम में मुख्य अतिथि ASP राजेश रंतोड़िया ने जानकारी दी। आपको ऐसा लग रहा है कि जबरदस्ती बैठा दिया है चेहरा देख के, टेंशन में कि फिर कैसा लेक्चर होगा। आप निश्चित रहे, बहुत शानदार लेक्चर होगा। शानदार इन टर्म्स ऑफ यूजफुलनेस, उसकी यूटिलिटी क्या है। आप निश्चित रहे, आप बोर नहीं होंगे लेक्चर में, क्योंकि मैं थ्योरी के बारे में बोलूंगा ही। मैं तुम्हें ये नहीं बताऊंगा कि व्हाट इज साइबर क्राइम, अभी बता देता हूँ एक लाइन में, बहुत सिंपल लैंग्वेज में। क्राइम इन्वॉल्विंग कंप्यूटर और नेटवर्क, दैट्स साइबर। क्लियर, सिंपल डेफिनेशन। टाइप क्या क्या है, फिशिंग, फिशिंग, स्टॉकिंग, स्पैमिंग, बहुत ATM फ्रॉड, कई तरह के फ्रॉड, ऑनलाइन फ्रॉड, जॉब फ्रॉड, कस्टमर केयर सर्विसेज फ्रॉड, कस्टम सर्विसेज फ्रॉड, कई तरह के फ्रॉड्स हैं, इसके बारे में नहीं बताऊंगा। मैं आपको बताता हूँ कि टेक्नोलॉजी कितनी जल्दी से चेंज हो रही है, आपको पता भी नहीं होगा कितनी तेजी से स्मार्ट चीज़ें आ रही हैं, जैसे कि स्मार्ट कार, स्मार्ट फ्रिज, स्मार्ट सिटी, स्मार्ट वॉचेज, इवन स्मार्टफोन। स्मार्ट कोई टर्म ऐसा नहीं है जो कि एक फैशन में लगा दिया हो। स्मार्ट स्मार्ट का अर्थ ये है कि किसी भी ऑब्जेक्ट में जिसको हम स्मार्ट लगा रहे हैं उसमें कोई ना कोई स्पेशल फीचर हो, तो आंखें खुल जाएंगी आपकी। मैं सारे एग्जाम्पल्स आपको दूंगा, केस स्टडी जो मेरे समय हुए हैं, मैंने यहाँ क्राइम ब्रांच ग्वालियर में किया है, इससे पहले मैं क्राइम ब्रांच इंदौर भी था। मैं आपको केस स्टडी बताऊंगा, थ्योरी आप पढ़ते रहते हो। गुड गाय इन नेट, बैड गाय इन नेट, ये दोनों ही हम हैं। इफ यू आर यूजिंग इट स्मार्टली देन वी आर गुड गाय। अब आपको कुछ ऐसे एग्जाम्पल देता हूँ जो आपके साथ या तो हो चुका होगा या होने वाला है। साइबर क्राइम आने वाले समय में केवल साइबर क्राइम ही क्राइम होगा। काफ़ी कुछ तो कवर कर लिया है अभी आपको, आपने देखा होगा ये पकड़ लिया, वो पकड़ लिया, NDPS पकड़ लिया, गांजा पकड़ लिया, पुलिस ने ये लुटेरे पकड़ लिए, लेकिन ये रिपोर्टेड हो रहे हैं तो आपको ये देख रहे हैं, रिपोर्टेड हो नहीं रही है। साइबर क्राइम में 40-45 एप्लीकेशन आती है डेली साइबर फ्रॉड की। साइबर क्राइम का जो पार्ट है वो हमारा क्राइम ब्रांच में भी, तो क्राइम ब्रांच में साइबर क्राइम भी आता है। ऐसे ही एक स्मार्ट फीचर है अपने स्मार्टफोन में, GPS ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, ये नेविगेशन बेस्ड ऑन सैटेलाइट। कितनी सैटेलाइट प्लेस्ड है स्पेस में, 24। GPS gives the fix accurately plus minus 3 meter error, क्लियर है, लोकेशन बहुत क्लियर देता है प्लस माइनस 3 मीटर के इरर में। अब आपको कुछ अच्छे एग्जाम्पल देता हूँ। प्रेस्टीज कॉलेज में मैं थैंक्स करना चाहूँगा डायरेक्टर स्वरूप मोहंती जी को, और तारिका सिंह डिप्टी डायरेक्टर हैं, और गौरा जो कि यहाँ स्टाफ फैकल्टी हैं, इन सभी को, इन सभी लोगों ने एक ऑर्गेनाइज कराया था साइबर अवेयरनेस के लिए एक प्रोग्राम, और इसमें स्टूडेंट्स थे, MBA के भी थे, LLB के भी थे, लॉ स्टूडेंट्स भी थे, इसमें कई तरह के स्टूडेंट्स थे और इसमें लगभग 200 की संख्या थी। इसमें बेसिकली इनको ये बताया कि डे टू डे एक्टिविटीज़ में हम कहाँ साइबर फ्रॉड का शिकार हो रहे हैं, और साइबर फ्रॉड के लिए अगर हम ये सोचें कि पुलिस कुछ करेगी तो ये थोड़ा सा ज़्यादा एक्सपेक्टेशन है, क्योंकि साइबर को, साइबर क्राइम को प्रिवेंट करने के लिए साइबर अवेयरनेस बहुत इंपॉर्टेंट है। पुलिस अपना काम कर रही है लेकिन हमारी भी कुछ जिम्मेदारियाँ हैं। डे टू डे हम स्मार्टफोन को यूज़ करते हैं लेकिन स्मार्टफोन को यूज़ करने के लिए हमें स्मार्ट पर्सन बनना होगा, तभी जाके हम इनका इनका सही तरह से टेक्नोलॉजी का उपयोग कर पाएंगे। और डे टू डे एक्टिविटीज़ में कई लोग इतना शिकार हो रहे हैं, कई लोग इसमें सुसाइड भी कर रहे हैं, इस तरह की कई घटनाएं देखने को मिली है, जैसे काफ़ी बजर स्टेंसेज हुए हैं जिसमें कि काफ़ी मतलब उसके परिणाम काफ़ी गंभीर आए हैं। तो ऐसी स्थिति में इनको एक प्रयास किया गया था कि एक ओपन सेशन था स्टूडेंट्स के साथ कि किस तरह से उनको क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं साइबर फ्रॉड के बारे में, कितना जानते हैं और क्या क्या डेवलपमेंट्स हुए, और केस स्टडीज भी इनको बताई गई जिस तरह से क्राइम ब्रांच में इस तरह के केसेज आ रहे हैं उनसे भी इनको अवगत कराया गया। तो निश्चित रूप से ये साइबर अवेयरनेस के जरिए ही कंट्रोल हो पाएगा, उसके लिए लगातार हम और सभी लोग मिलकर इसका प्रयास करेंगे। मेरे मत में साइबर क्राइम अब ऐसा क्राइम है जिससे सभी लोग, बाय एंड लार्ज सभी लोगों को फेस करना है, ये बड़ा चैलेंज है।
तो सभी जितने भी जो इंस्टीट्यूशन हैं, ऑर्गेनाइजेशन हैं, जितने भी जो सोशल प्लेटफॉर्म हैं, जहाँ जहाँ हम लोग इस साइबर अवेयरनेस ला सकते हैं, उसके लिए मैं समझता हूँ उनकी भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि कॉलेज में स्टूडेंट्स हों या स्कूल में हों, वो भी कहीं ना कहीं शिकार हो रहे हैं, अपने पेरेंट्स को नहीं बता पा रहे हैं, कहीं ना कहीं उनको सोशल ह्यूमिलिएशन का उनको शिकार होना पड़ेगा। तो निश्चित रूप से कहीं कोई व्यक्ति कुछ कर ना ले तो निश्चित रूप से इंस्टीट्यूशन को भी इसके बारे में अवेयर करना होगा, स्टूडेंट को समय समय पर ऐसे जो सेशन ऑर्गेनाइज होंगे तो उसके निश्चित रूप से जो सकारात्मक परिणाम सामने आएंगे। धन्यवाद। एक उद्देश्य है, देखिए साइबर क्राइम अभी बहुत ही बड़ा मुद्दा है ना, इस मुद्दे खाली सीमित नहीं है कि इंडिया में, सारा वर्ल्ड, सारा विश्व इससे पीड़ित है ना। और अपन जब साइबर क्राइम जिसके बारे में कहते हैं, जो अपन जानते हैं उसको रियल इंटरनेट में हम लोग रहते हैं, जो कि 4% हम जानते हैं रियल इंटरनेट क्या है, वो उसके बारे में साइबर क्राइम उस कवर नहीं होती है। इंटरनेट जो 96% जो इंटरनेट है वो एक्चुअली नॉट रियल इंटरनेट, वो डार्क इंटरनेट कहते हैं, उसके अंदर सारी चीज़ें होती हैं, जैसे कि धोखाधड़ी, सेक्सटोशन जिसको कहते हैं, एक्सटोशन से सेक्सटोशन होता है, छोटे बच्चे को प्रलोभित करते हैं, गड़बड़ करते हैं, सेक्सुअल एक्सटोशन होती हैं, ये सारी चीज़ें बहुत बड़ी बड़ी आर्म डील्स होती हैं, ड्रग डील्स होती हैं और डार्क नेट में होती हैं ना। तो एक तो फ्रॉड तो बहुत ज़बरदस्त सभी हम लोग शिकार होते हैं, आप भी कभी हुए होंगे, बट ये चीज़ इसके अवेयरनेस लाना बहुत ज़रूरी है। तो इस बड़ा ही कंटेम्प्रेरी सब्जेक्ट है, तो प्रेस्टीज इंस्टीट्यूशन ऑफ मैनेजमेंट ये सोचती है कि चलो अपन इसके जागरूकता बढ़ाएं, सबके लिए फ़ायदा है, तो ये अपन सीरीज़ करेंगे। और आज हमारे साथ हाँ इंटरनेशनल क्राइम के एक्सपर्ट्स भी हैं, और राजेश जी हैं ना, राजेश जी हैं, वो पुलिस एडिशनल एसपी हैं, क्राइम ब्रांच एडिशनल एसपी क्राइम में राजेश जी हैं, और गर्व के साथ कहते हैं कि कितने बच्चों को आज ये समझाना चाहते हैं कि क्राइम में किस तरीके से धोखा और धड़ी होती है, और क्या आपने उद्देश्य क्या समझा आपने कि आज एडिशनल एसपी को आपने अपने इंस्टीट्यूट में? क्योंकि देखिए एडिशनल एसपी जी वो हर्ता करता विधाता है, रोज़मर्रा ज़िंदगी में वही डील करते हैं, तो इनसे बढ़िया एक्सपर्ट हमें नहीं मिलेंगे। जब उनके मुख से ये सुनेंगे बच्चे कि क्या धोखाधड़ी कैसी होती है, इंटरनेट धोखाधड़ी क्या होती है, और रियल नेट और अनरियल नेट क्या होती है, तो जरूर बिल्कुल सही बात है कि काफ़ी चीज़ें सीखने को मिलेगी और जागरूक। ये सारे BBA एंड MBA बच्चे होंगे, सो उनको संबोधित करेंगे, तो ये तो शुरुआत है। वी आर नॉट हैविंग दैट प्रिविलेज ऑफ दिस सो कॉल्ड WWW, यू नो WWW, नॉट वाइन वुमेन एंड वेल्थ, इट्स WWW, इट्स अबाउट वन वाइन वेल्थ, एंड यू आर देयर इन द वर्ल्ड वाइड वे. Another world you have created, the world is created for you. One side is that if you look at the better side of WWW, is something like to see the world in the palms of your hand. To see the world in the palms of your hand and have an invite flower. So one thing is that everything is in your hand. With a flick of your fingers, you are getting into anywhere, everywhere you want to. But there is a problem in it. If you do not know how to deal with it properly, there is a darker world awaiting for you, enticing you, capturing your every thought, process and all that. And every movement is being tracked by this world, unknowingly, subconsciously, or maybe knowingly.